हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रोटी नूडल्स। सबसे पहले रोटी को ऐसा रोल करके बारीक कट कर लेना है। ऐसे नूडल्स के साइज़ के लंबे लंबे कट कर लेना है। कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा राई का तड़का लगाना है। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, बारीक कटा हुआ टमाटर डालना है और अच्छे तरीके से भून लेना है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक, और थोड़ा ऐड करेंगे मैगी मसाला। लास्ट में हमको ऐड करना है रोटी के नूडल। इसे 2 मिनट ढक्कन रखकर 2 मिनट अच्छे से पक देना है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नूडल जैसी दिख रही है। कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा कि ये रोटी से बनाई हुई नूडल्स है। बच्चे इसको बहुत ही खुशी से खाते हैं और ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है, और आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।